सीजन बस कारे को है, लेकिन बाढ़ आ रही मध्य प्रदेश में ट्रांसफरों की। और अब यही के संगे मध्य प्रदेश में कोरोना भी ऐसा लग रहा है ट्रांसफर होने लगे है। ताजा मामला है सागर जिला को। सागर जिला में खुरई ब्लॉक के खिमलासा में थाना प्रभारी हते, जिनको दो दिन पहले देवरी ट्रांसफर भाव। उनके ट्रांसफर के पहले 22 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खिमलासा PHC में 61 लोगों के सैंपल जांच के लाने भेजे थे और उनमें थाना प्रभारी की रिपोर्ट आ गई है पॉजिटिव। और जब रिपोर्ट सामने आते ही मच गए हड़कंप। काय के थाने में पूरा स्टाफ को क्वारंटीन कर दो गए है। दरअसल 24 जून को थाना प्रभारी को विदाई समारोह भी भाव तो जी में बड़ी संख्या में लोग शामिल भए थे, लेकिन अब चूंकि हड़कंप मच गए है कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आए से, सो आनंद फानन में 53 लोगों की सूची तैयार करी गई है जो थाना प्रभारी के सीधे संपर्क में आए थे। देखिए, कोरोना की संक्रमण की जांच हेतु जगह जगह जाकर रेंडमली सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी रेंडम सैंपलिंग के लिए 61 लोगों के सैंपल PHC खिमलासा में 22 तारीख को लिए गए। जब उसकी जांच आई तो उसमें खिमलासा के थाना प्रभारी एक व्यक्ति की पॉजिटिव जांच आई है। अभी और भी जो जांचें गई हैं उनके भी रिजल्ट आने का इंतजार है। तो इस संबंध में आज SDM साहब के नेतृत्व में हम लोग आए हैं और थाने को सैनिटाइज करा जा रहा है। जितने व्यक्ति उनके साथ मिले जुले थे सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है और उसकी वैकल्पिक थाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। सोमवार को ही TI साहब देवरी कला थाने में ज्वाइनिंग दे चुके हैं और अब खिमलासा थाने के अलावा देवरी कला थाने को भी सैनिटाइज करेगा है और एक संगे पुलिस कर्मियन की भी जांच करी जे है खिमलासा के संगे देवरी के भी। खिमलासा थाने के पूर्व निरीक्षक जिनका अभी देवरी स्थानांतरण हुआ है, ये अभी खिमलासा में पूरे थाने की सैंपलिंग कराई गई थी और उसमें ये पॉजिटिव आए हैं। बाकी पूरा स्टाफ निगेटिव आया है और इनको BMC में भर्ती करा दिया गया है। सामान्य रूप से इनकी हालत ठीक है, परंतु जो इसका प्रोटोकॉल रहता है इनको BMC में जाके इलाजरत रहना पड़ेगा और उसके उपरांत ये आके क्वारंटीन रहेंगे, फिर ये पुनः अपना थाना संभालेंगे। बाकी दोनों थानों को सैनिटाइज करा दिया गया है। इनकी जो क्लोज कॉन्टेक्ट में लोग हैं दोनों थाने में, उनको भी क्वारंटीन कराया जा रहा है और सभी की स्क्रीनिंग करा दी गई है और आवश्यकता यदि पड़ी डॉक्टर जैसा बोलेंगे तो जिनके सैंपल की आवश्यकता होगी उनकी सैंपलिंग भी कराई गई। कहा जा रहा है सर, विदाई समारोह में खिमलासा थाने में विदाई समारोह हुई थी तो कई सैकड़ों आदमी उनसे मिलने आए थे, क्या उन आदमियों को भी कोई प्रशासन अगर इस तरह, चूंकि अगर उनका ट्रांसफर हुआ है और यदि उनके ट्रांसफर के दौरान लोग उनसे मिलने आए होंगे तो ये भी ट्रेसिंग में किया जाएगा और सुरक्षा इसी में है कि अगर जो भी लोग उनसे इनके सिम्टोमेटिक मतलब सैंपलिंग के आसपास मिले हों एक दो दिन पहले और बाद में, तो नियमानुसार सभी को क्वारंटीन होना ही उचित रहता है। देवरी और मैं जहां पर इनकी वर्तमान पदस्थापना थी वहां पे तात्कालिक रूप से पुलिस लाइन से हम एक निरीक्षक को भेज रहे हैं और इसी प्रकार खिमलासा में हम बीना थाने से वहां पे उप निरीक्षक पर्याप्त हैं, तो जब तक वहां के जो उप निरीक्षक हैं वो वापस नहीं आते तब तक तात्कालिक रूप से बीना थाने से हम एक उप निरीक्षक को भेजें। सर, दोनों थाने में लगे कितने सिपाही या कर्मचारी या पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन किया गया? अभी जो मेरी बात हुई है उसके मुताबिक लगभग देवरी से 5 से 6 सिपाही और खिमलासा से 5 से 6 कर्मचारी अधिकारी और इसी प्रकार खिमलासा से 5 से 6 अधिकारी कर्मचारियों को क्वारंटीन किया जाए। कोरोना संक्रमण के काल में इतने उतने ट्रांसफर होवे से लगातार न केवल अधिकारी कर्मचारी परेशान हो रहे बल्कि ई संक्रमण के फैलाव को भी खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सरकारें मौन हैं।